देखा पाने कहता दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर एक, ठीक बात, के अंतर्गत उस समय विवाह त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घक्ष का एक सिरा है। क्या कहा था? दीर्घक्ष का एक सिरा है माने आपका दीर्घ वृत्त इन लघु अच्छे दीर्घक्ष हो, बात समझ में आता है? दीर्घक्ष का एक सिरा, ठीक बा, इधर का दीर्घक्ष ना, और ये का हो लघु अक्ष, और ये का हो सिरा, और हमके समद्वि भाव भुज कर बताओ, ठीक बा। एक और नाम मेरी है जाए ए बी सी, ये मध्यबिंदु होए होए ना। अब रही बात ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पारे का होता ए होता, यानी दीर्घ वृत्त हो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक। और ये जोन बा आपका यहाँ से लेके ए यहाँ से लेके यहाँ तक ये का हो बी हो ना। अब ये बिंदु यहाँ 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 से यहाँ तक ले आए एक निर्देशांक का हो या अगर थीटा ले थीटा का हो जाए ए कॉस थीटा का हो जाए ए कॉस थीटा और ये का हो जाए ए साइन थीटा थीटा हो जाए और ये का हो जाए ए कॉस थीटा वही हुए ना। और माइनस हो जाए नीचे आ जाए माइनस ए सॉरी बी माइनस बी हो माइनस बी साइन थीटा, ठीक इन निर्देशांक प्लस ठीक। अब हमके चाहे का पाड़े आधार गुणित लंब आधार गुणित लंब क्षेत्रफल है हुए ना। आधार का वह ए बी अब ए बी यानी ए से लेके एम तक दूरी ए माइनस यहाँ से यहाँ तक दूरी ए कॉस थीटा, बात समझ में आओ था ए ए हो ले है आप यानी ए काम ले ली का वन ए वन माइनस कॉस थीटा ये हमारे एम सी हुई। अब हमके क्षेत्रफल निकाले की बात तो क्या हो क्षेत्रफल एक बटा दो आधार गुणित लंब ये ना हो हाँ तो यानी एक बटा दो आधार के ना हुआ टू बी साइन थीटा और ई के नाबा ए वन माइनस कॉस थीटा ये न बाबू कैंसिल का हो जाए ए बी साइन थीटा अब यहाँ माइनस ले ले गुणा के लेकर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये न बाबू हाँ। अब ये हमारा है क्षेत्रफल तो बात देखिए और हम सरल कैसे कहते जा काबा फार्मूला भैया टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर का होता बाबू बोला जा बोला पर का भैया साइन टू थीटा साइन टू थीटा साइन टू थीटा भैया आप लोग नहीं पता था तो दूसरे से बुला कर दूसरे भाग देंगे तो ये टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बटा में दो हो जाए तो क्या हो गया ए बी साइन थीटा माइनस साइन ए वन बाई टू साइन टू थीटा ये हमारे काम मिल गए ए समझ में आए ए के मैक्सिमम करेंगे ठीक। आओ देखा जाए कैसे हल हुए माना हाँ दीर्घ कबा दीर्घ माना दीर्घ वृत्त न हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है कि अंतर्गत हाँ समद्वि भाव समद्वि भाव त्रिभुज ठीक बा ए बी सी भैया ठीक बा ए बी सी है ठीक बा। अब एक निर्देशांक का ए का निर्देशांक ठीक बा ए का निर्देशांक का हो कॉस थीटा और कॉमा बी साइन थीटा बी का निर्देशांक का हुआ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा ना भैया। अब बाबू कहोगे ए बी बराबर का हो जाए ए एम प्लस बी एम ये रहो ए एम प्लस बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाए बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया टू बी साइन थीटा ठीक। अब एम सी ऊंचाई ठीक बा इज इक्वल टू क्या ए माइनस ए कॉस थीटा यानी ए कॉमन ले लिया वन माइनस थीटा ठीक बा। अब समद्विभाव त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भैया समद्विभाव त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल न हो त्रिभुज अरे सुकूल हाँ गुरुजी का हो रे बताओ गुरुजी एक बटा दो ही हाँ लंब आधार में ऊंचाई आधार का बा ए बी गुणते हैं एम सी समझे सुकुल जी तो वन बाई टू ए बी कितना बा सुकुल जी गुरु जी ए बी कितना बा वारे सुकुल जी एम सी कितना बा वन माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा हाँ तो का हो सुकुल जी ए इंटू बी ए बी साइन थीटा एक मल्टीप्लाई कर दे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ठीक बा। अब दुई से गुड़ा भाग के दे अब छोटा बनावे खातिर तो का हो जाए सुकुल जी साइन थीटा माइनस टू अपॉन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा न हो का हो जाए ए बी साइन थीटा माइनस वन बाई टू साइन टू थीटा आई। अब क्या करना भाई के मैक्सिमम करना बा का हो जाए डी हाँ तो डी ए अपॉन डी एक्स डी थीटा थीटा बना यहाँ थीटा के साथ पेच में का हो जाए डी ए अपॉन डी थीटा ए बी का हम नियत हो ए बी नियत हो गुरुजी वन बाय टू क्वेश्चन माइनस वन बाई टू अब साइन टू थीटा क्या हुए कॉस टू थीटा ये नो अब फिर टू थीटा क्या हुए अब यह काट गई हो जाए आओ इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा ठीक। अब क्या करना हम कि महत्तम करना हो तो निकाल रहे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हो तो जीरो के लिए हाँ क्रांतिक बिंदु के लिए ठीक है डी ए अपान डी थीटा बराबर जीरो तो क्या हो सको ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो समझ में आओ था कि ना आई अच्छा तो बराबर क्या हो आप देख कॉस माइनस कॉस अब ए बी कहा जीरो हो जाए
यानी कब cos theta minus cos 2 minus cos 2 theta is equal to cos 0 cos theta is equal to cos 2 theta. अब इधर कर दो है कि मान theta और 2 theta हो जाए ना. अब देखो क्या हो जाए. cos theta is equal to cos 2 theta and 2 pi minus 2 theta. काहे में धनात्मक हो था पहले में और चौथे में ये ना. अभी क्या हो जाए तो हाँ थीटा बराबर 2 पाई माइनस 2 थीटा. अब थीटा प्लस 2 थीटा क्या हुए 2 पाई 3 थीटा बराबर 2 पाई थीटा बराबर क्या 2 पाई बटा 3 कोई नहीं. अब क्या लेंगे फिर सेकेंड डेरिवेटिव के ऊपर हम महत्तम मान निकाले कितने बार तो क्या हो जाए डी टू ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर. ठीक बाबू क्या हुए कहाँ पर ये भी अपने जगह पर है सुकुल जी. कॉस थीटा क्या हुए माइनस साइन थीटा. अब एकल बाब कॉस को माइनस हुए तो माइनस माइनस प्लस प्लस. अब कॉस टू थीटा अच्छा अब हमके क्या करना पर यहाँ पर लेना पर नो डी ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर कहाँ ए बी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पर नो ए भी तो अपने जगह रहे ओके बाब माइनस साइन माइनस साइन 2 पाई बाय 3 धन 2 साइन 2 अब साइन 2 पाई बाय 3 तो दुगुनी कितना हो जाए 4 दुगुनी कितना हो सकता 4 हो जाएगा 4 होता हम सोचा 4 5 5 2 साइन 4 पाई बाय 3 ये सुन ले ए 2 पाई बाय 3 ओके कोने में आवत हो बोलो बोला यार बोलिए ए बी अब लिख दे माइनस साइन 2 पाई बाय 3 सुकुल महाराज 0 से 2 पाई ये ना हो ए पाई बाय 2 ए पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई बाय 3 यानी 30 पाई बाय 3 60 गुणा 120 साठ ना एक सौ बीस ये हमने साइन का आउट पांच थी साइन का आउट तो ठीक है. और आउट 4 पाई बाय 3 कहाँ है 240 यहाँ है यहाँ साइन का हो नेगेटिव हो है ना. अब 60 के मान कितना हो सुकुल जी 60 पे अच्छा अच्छा ही वाला कोई बात नहीं. ये हमने कहा है सुकुल जी यहाँ माइनस भी जाए फिर प्लस बाई ये माइनस है ना माइनस टू अंडर रूट 3 बाई 2 बार स्कूल जी बाहर बहुत ये भी क्या हुआ है स्कूल जी अब बताओ आज सामान ला हर जुड़ गया है यानी क्या है निगेटिव है क्या है ऐसे कहाँ जाए एक का मान 0 से कम बना अतः क्या बा अतः थीटा बराबर 2 पाई बाय 3 पर क्षेत्रफल क्या होगा उच्चतम पर क्षेत्रफल उच्चतम होगा उच्चतम होगा ठीक बाहू. अब देखा आप लोग आगे क्या ज्ञात करना रहा हूँ उच्चतम क्षेत्रफल भैया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाए भैया यार देखो ए बी और ए बी साइन थीटा साइन 2 पाई बाय 3 माइनस 1 बाय 2 साइन 4 पाई बाय 3 ना भैया तो क्या हो जाए ए बी माइनस नहीं सॉरी प्लस राइट जी अंडर रूट 3 बाय 2
माइनस वन बाय टू इंटू माइनस में आए माइनस का प्लस कड़ी में तीन बटा दो यानी यहाँ पे इक्वल टू का ए बी हाँ कितना हो जाए चार चार वर्गमूल ले जाए टू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री न बाबू थ्री अंडर रूट थ्री अपान फोर ए बी वर्ग इकाई आंसर कितना आएगा देखा जाए पाणी जी भैया सकुल महाराज सही है पाणी जी बाबू जी चलो उतार ले देखा जा सवाल नंबर नौ ठीक है क्या कहते भैया आयताकार आधार वो आयताकार दीवारों की दो मीटर गहरी आठ मीटर की आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है आधार क्या है आयताकार है आधार अब क्या है आयताकार है ठीक ये आधार है आयताकार आधार वो आयताकार दीवारों की दीवार क्या है आयताकार दीवार कौन है आयताकार बात समझ में की टंकी ये टंकी हो आपका कहा टंकी ठीक ढक्कन ढक्कन नहीं ठीक कि दो मीटर गहरी टंकी गहराई कितना है भैया दो मीटर है यानी एच बराबर कितना है आपका दो मीटर ठीक और आठ मीटर क्यूब आयतन का टंकी का आयतन कितना है वी बराबर एल बी एच बराबर कितना है आठ मीटर क्यूब एच आपका दो दिया गया है यानी टू इंटू एल बी इज इक्वल टू आठ मीटर क्यूब बारह हो अच्छा अब ये दिया है आपका कह रहा टंकी के का निर्माण करना है टंकी का निर्माण करना है टंकी के निर्माण में आधार के लिए ये आधार जो आपका आधार ठीक आधार के लिए यानी एल बी ठीक के लिए कितना सत्तर रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हाँ और दीवारों पर अब चारों दीवारों की बात चार दीवार है ना तो क्या होगा टू एच अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी ये ना का खर्च क्या है रुपया 45 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ठीक वे आता है तो न्यूनतम खर्च से बनी टंकी की लागत क्या है न्यूनतम खर्च से बनी यानी आपका जो खर्च है न्यूनतम खर्च यानी आधार का खर्च तो आधार खर्च क्या होगा एल बी इंटू 70 प्लस दीवारों का खर्च 2h अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू 45 ये हमें न्यूनतम करना है कितना न्यूनतम ज्ञात करना है ठीक क्या होगा ये निकालना है खर्च निकालना है बात समझे तो भैया आज ये मान लिया जाए माना आयताकार आयताकार टंकी की लंबाई ठीक लंबाई L चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है न भैया H मीटर है मीटर दिया है बाबू L मीटर H मीटर है ठीक अब का आधार हाँ आधार का क्षेत्रफल आधार का दिया है पहले लिखने दिया का तबल दिया है ऊंचाई h बराबर दो मीटर दिया बा आधार का खर्च क्या दिया बा खर्च रुपया 70 प्रति मीटर स्क्वायर हाँ यही ना आधार का खर्च पूरा निकाल है क्या निकाल है आधार का पूरा खर्च क्या हुए एल बी ये ना एल बी इंटू 70
आई जाए एनर्पिया खर्च आधार पर एनर्पिया, ठीक बात। अच्छा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का खर्च लिख गई, पहले खर्च निकाल लें हमारे रुपया कितना 45 प्रति मीटर स्क्वायर ना, चारों दीवारों का कुल खर्च कितना हो जाए, चारों दीवारों का हाँ खर्च कुल खर्च, कुल खर्च 2H अंडर ब्रैकेट L प्लस B इंटू 45, ये आपके चारों दीवारों का खर्च आएगा। अब दिया कब आयतन 8 मीटर क्यूब, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन भी यानी एल बी एच, एच कितना बा 2 इंटू एल इंटू बी 8 का हो जाए पानी, यानी बी बराबर का हो जाए 8 बटा 2 एल, ये ना 4 बटे, ठीक। अभी निकाल रहे बी के मान, अब खर्च पूरा टंकी को बनाने में किया गया कुल खर्च बराबर कुल खर्च आधार का खर्च 70 इंटू एल बी प्लस 45 इंटू 2H तो 2 गुणित 2 और एल प्लस बी हो जाए। अब बी के मान रखे जाए तब हो जाए 70 गुणित एल इंटू 4 बटा एल प्लस 45 गुणित 4 गुणित एल प्लस 4 बटा एल, ये नहीं पाड़े यार सेल कट गया 280 ये ना प्लस 45 चौका 180 पाड़े 180 आई का हो जाए यार प्लस 4 बटा। अब हम क्या मिनिमाइज करेंगे भाई यार के सापेक्ष, यार के सापेक्ष हाँ दोनों पक्षों का वर्णन करने पर तो डी पी अपान डी एल हाँ इज इक्वल टू 0 प्लस 180 एकर एक हो जाए एकर का हो जाए माइनस 4 बटा एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर जाना तो नहीं था गुरुजी, अच्छा याद होगी बाबा कहाँ से कुल जी कैसे हुआ एक बटे एल का हो तो बता रहा हाँ गुरुजी भाई डी एल आप एल टू पावर माइनस वन तो माइनस तार आ गया हो तो और ऋण एक हो जाए ऋण दो हो ना समझ में आए। अब देखा आप लोगन 180 एल स्क्वायर माइनस 4 अपान एल स्क्वायर ये ना। अब क्या चाहे क्रांतिक बिंदु चाहे अस्थिति में मिनिमम के लिए तो क्रांतिक बिंदु के लिए लिख जाए dp upon dl is equal to 0 लिख दिया सुकुल जी क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए ठीक है। अब ये क्या होएगा 180 l स्क्वायर माइनस 4 upon l स्क्वायर is equal to 0। अब 180 का हो जाए 180 0 तो ऊपर लिख रहे भाई मतलब ये 0 हो ना तो क्या हो गया भैया 180 कैन नॉट बी 0 एल स्क्वायर नीचे बा 0 तो होबे करे एल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एल इज इक्वल टू 2 काय दूरी ऋणात्मक होबे नहीं करत 2 मीटर आ गया। अब b इज इक्वल टू हिला के निकाल दे पाड़ी हो तो 4 बटे 2 बराबर 2 यानी 2 बी भी कहां 2 मीटर आए। अब क्या करना बाकी कुल खर्च, अरे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं ना भाई सॉरी
अपान डीएल स्क्वायर न पाड़े तो क्या हो जाए 180 तो रहबो के रे पाड़े हां ऊपर आ गए अरे ई वाला खेल है 180 तो हरे रहबो के रे के बुढ़ा बा माइनस 4 एक जीरो हो जाए 4 2 8 4 प्लस हो जाए माइनस माइनस प्लस प्लस 4 प्लस 4 क्यूब 8 एल बटा एल क्यूब हां एक अब यहां डी स्क्वायर पी अपान dl स्क्वायर dl स्क्वायर एट इक्वल टू 2 हां dl इक्वल टू 2 पर हां ये का है पॉजिटिव है c गुणित 8 बटा में 8 8 बटे 8 कटेगा यानी कट जाए बराबर बराबर आएगा 180 बड़ा है जी ठीक बात dl बराबर 2 पर हां का हुए लागत निम्नतम हाँ निम्नतम होगा क्या हुए निम्नतम होगा ठीक बात अब निम्नतम लागत निकालना निम्नतम लागत सुकुल जी हाँ गुरु जी निकाल ले कितना बात 280 बात अच्छा धन 180 हाँ यार कितना दूई धन 4 बटा 2 यानी कितना हो जाए 4 280 720 हां धन 720 बराबर कितना है सुकुल जी रुपया 1000 1000 में टंकी तो याद ले बहुत सस्ता अरे का रे अरे 1000 टंकी सवाल नंबर 10 हो क्या कहा था एक वृत्त और एक वर्ग के परिमाप परिमापों का योग k है ये कहा हुआ आपका वृत्त एक वृत्त ठीक जगह त्रिज्या क्या है r और एक वर्ग के परिमापों का योग k k के परिमापों का योग k है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है वर्ग होगा गुरु जी ए होल गायक से बोला यानी वृत्त का परिमाप वृत्त के सुकुल वृत्त के परिमाप पहले तिवारी क्या गुरु जी तिवारी बोला अच्छा अंगिनी वृत्त का परिमाप क्या होगा 2 पाई आर 2 पाई आर वर्ग का और प्लस वर्ग का परिमाप बोला पूरा अरे बोला तू बताओ दाओ तू 1 मिनट ए क्यूब 4 * 4 वृत्त भुजा बराबर क्या है तिवारी का ज्यादा नहीं ठीक योग के है जहाँ के क्या है एक अचर के क्या है अचर अचर के अचर ठीक अब क्या करा है आपका सिद्ध कीजिए कि उनके एक क्षेत्रफलों का योग निम्नतम है उनके क्षेत्रफलों का योग यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर क्या करना है आपको निम्नतम करना है सिद्ध करना है ये कब होगा निम्नतम है जब वर्ग की भुजा जब वर्ग की भुजा हाँ वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी है यानी x बराबर 2r जब है तब क्षेत्रफल क्या होगा आपका निम्नतम होगा यह सिद्ध करना है ठीक माना वृत्त की त्रिज्या माना वृत्त की त्रिज्या आर तथा वर्ग की भुजा वर्ग की एक भुजा कितना है भैया वर्ग की भुजा कितना माने आप ठीक अच्छा अब दिया है क्या दिया है वृत्त का परिमाप प्लस वर्ग का परिमाप मैं 2 पाई आर प्लस 4 एक्स इज इक्वल टू के समीकरण नंबर 1 हां और वृत्त का क्षेत्रफल सीधे करना है ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है निम्नतम ज्ञात करना है सिद्ध करना है क्या करना है निम्नतम सिद्ध करना है का क्षेत्रफल a यानी पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या करना है निम्नतम
ठीक बा। अच्छा सिद्ध करना बा x बराबर 2r, का सिद्ध करना बा हम कब जब x बराबर का 2r। हाँ आओ देखा आप लोग समीकरण एक से का समीकरण एक से 4x इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर, x इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर अपान 4 न हो। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस अब x k माइनस 2 पाई आर हाँ बटे 4 का होल स्क्वायर। क्या होगा भैया a बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस k माइनस 2 पाई आर रहेंगे बड़े हाँ जाए ठीक बात। अब न्यूनतम करना है ना r के सापेक्ष, r के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन अवकलन करने पर ठीक बा dA अपॉन dr बराबर बराबर पाई r स्क्वायर 2 पाई r प्लस अब यह 2 आई है 2 k माइनस 2 पाई r अपॉन 4 अब का है माइनस 2 पाई r बटे 4 को होए एकर होए जीरो हो जाए एकर जीरो हो जाए माइनस 2 पाई r बटा 4 r तो 2 पाई r का हो जाए पाड़े 1 2 पाई अपॉन 4 ये ना अच्छा चलो एक कह लिया जाए पहले पाड़े ठीक बा 2 पाई r प्लस एक कोई हां माइनस यहां माइनस के ठीक है माइनस दूसरी से काट दे पाड़े अब यहाँ से यहाँ पर गुणा कर ले क्या हो जाए माइनस 2 के पाई बड़े अपान 4 ये ना हाँ 4 दुनी 8 हुए तो एक गुणा उसे कह ले पाड़े इसे कह ले इसे कह ले इसे कह ले कहाँ काट दे सर यहाँ का दो से दो वो काट दे यहाँ जो काट दे यहाँ हाँ सुना चार अब यहाँ कह दे ये माइनस हुई क्या हाँ क्या हो जाए के पाई बटा के पाई बटा में चार हाँ माइनस माइनस प्लस कह दे नहीं माइनस अच्छा माइनस प्लस प्लस कह दे कहाँ माइनस टू प्लस हाँ तो क्या हो जाए टू पाई स्क्वायर आर बटा में चार बटा में क्या होगी ये बने दो में चार हाँ अब ला से लेको अच्छा काट दे क्या रहती मत काटे ला से लेको तो काट दे के पढ़े कहे बजे हाँ कहे बजे हो सही पे बुढ़ाने गलती नहीं बा नहीं गलती नहीं दिखा अच्छा चलो ठीक बात हम तो यानी क्या हो जाए डी ए अपान डी आर इज इक्वल टू टू पाई आर माइनस के पाई स्क्वायर हाँ के पाई के पाई सॉरी हाँ के पाई स्क्वायर है ना के पाई बटे दो दुना चार प्लस हाँ क्या हो जाए टू हाँ पाई स्क्वायर आर अपान अब क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए बिंदु के लिए ना तो क्या हो जाए डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो तो टू पाई आर माइनस के पाई बटे चार प्लस पाई स्क्वायर आर बटा में दो नौ बराबर जीरो एक पश्चात कह दे पहले पढ़े ठीक बा टू पाई आर प्लस पाई स्क्वायर आर बटा में दो बराबर के पाई बटा में चार पाई का मतलब
यहाँ काम आने गया का हो जाए भाई काम आने गया हाँ भाई काम आने हैं का बन चिला मत भाई यार ले काम पाने पाने भाई यार काम आने हाँ तो बचे भाई यार तू भाई बचा तू बचे यार हाँ तू बचे हाँ तू बचे टू प्लस अब यह का बचे पाई बटे दो टू प्लस पाई बटा दो इज इक्वल टू के पाई बाई तो अब एकर पानी एकर लसन काट दे कहां पाई पाई हां काट कैसे ई कट गया हां हां दो दुना चार चार धन पाई बटा में दो बराबर के बाई फोर यानी आर काट रही है ले काट दे थी तब आर बराबर का हो जाए के अपान टू अंडर ब्रैकेट फोर प्लस पाई ये हमार आर्कमान आई ठीक बा अब क्या करना है कि न्यूनतम करना है हाँ तो क्या हो जाए डी टू ए अपान डी आर स्क्वायर ना हो पाने कहाँ भाई है हेवर ना हाँ तो यहाँ क्या हो जाए टू पाई आर के हो जाए एकर का जीरो एकर का हो पाई स्क्वायर बटा दो ना अच्छा अब देख d स्क्वायर a अपान d r स्क्वायर है r बराबर k बटा 2 4 प्लस k पाई पर ना वही आए 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 बड़ा है 0 से पॉजिटिव भर से दो अतः r बराबर k अपान 2 4 प्लस पाई पर क्षेत्रफल क्षेत्रफल बोलो हाँ क्षेत्रफल क्या होगा निम्नतम होगा क्षेत्रफलों का योग क्षेत्रफलों का योग निम्नतम होगा क्या होगा निम्नतम होगा न भैया अब हमके कहाँ निकलना भैया यक्ष बराबर कहाँ समीकरण दो में कहाँ से समीकरण दो से नौ यक्ष बराबर क्या हो जाए के माइनस टू पाई हाँ आर के अपान टू प्लस फोर प्लस पाई नौ तो दूसरे दूसरे काट दे ठीक है अपान बटा में क्या हुआ चार हाँ तो अब यहाँ गुड़ा के लिए जाए फोर के प्लस के पाई प्लस के पाई माइनस पाई माइनस के पाई ना बटा में सोलह प्लस चार चार लेगा ना चार चार भरे ले ले पहले और चार धन पाई ले जाए ना हो तो अभी तुम्हारे तीन कैंसिल हो ही गया चार से चार कैंसिल हो जाए हाँ क्या हो जाए के बटा चार धन पाई नौ पाई अब यक्ष बटा आर यक्ष बटा आर बराबर क्या हो गया यानी के अपान फोर प्लस पाई बटा में क्या बात के अपान हाँ फोर टू फोर प्लस पाई ई कैंसिल ई कैंसिल क्या हो गया बटा में कितना है ऊपर जाए तो बचे हाँ उनका इसे नहीं पाले साफ से साफ से साफ से साफ से कैंसिल हो जाए हाँ हाँ जो क्या के अपान ना क्या बात फोर प्लस पाई बटा हाँ हाँ बटा क्या हो गया के अपान टू फोर प्लस पाई ये बा यानी क्या हो जाए के अपान फोर प्लस पाई इनटू टू अपान फोर प्लस पाई अपान के केस के कैंसिल ऐसे इक्वल टू टू यस इक्वल टू टू आर यही सिद्ध करना ठीक भैया ना बाबू समझ में आए बाकी ले बाबू
सवाल नंबर 11 का कहता किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है, का हम एक आयत के ऊपर, ठीक बा, एक का हम आयत हो, बात समझे, आयत के ऊपर अर्धवृत्त, अच्छा इसके बाद, ठीक बा, के आकार वाली एक खिड़की है, ठीक बा, खिड़की का संपूर्ण परिमाण 10 मीटर है, संपूर्ण परिमाण, ध्यान दें, ई अगर एक्स बा, यह का हो एक्स बा, ई तहार वाई बा लंबाई चौड़ाई तो का हो वाई हो, अब एकर त्रिज्या जो त्रिज्या हो अर्धवृत्त हो नहीं आ, तो यहां से यहां तक त्रिज्या हो, त्रिज्या का हो एकर एक्स बाय टू, यानी कितना हो एक्स बाय टू, त्रिज्या कितना हो एक्स बाय टू हो ना, समझा था ना, अब परिमाप पूरा परिमाप कितना का 10 मीटर, यानी ये आप लेबन यहां से यहां तक, यानी का एक्स धन वाई धन वाई टू वाई, और एकर यहां से यहां तक का होए 2 पाई आर होते मंदी का होए पाई आर बराबर कितना बा 10 मीटर, ध्यान समझे जा दिया बा ये का बा आपको दिया बा, ठीक दिया, अब क्या कहता पूर्णतया खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की बीमाएं ज्ञात कीजिए, अधिकतम प्रकाश आने के लिए क्या अधिकतम प्रकाश की बात कर रहा है, क्या कर रहा है अधिकतम प्रकाश, यानी क्षेत्रफल का हो चाहे अधिकतम हो चाहे का हो क्षेत्रफल का हो चाहे अधिकतम हो चाहे एक, यानी कहे मतलब हमारी बात ये बराबर का एक क्षेत्रफल कितना हो जाए लंबाई गुणी चौड़ाई एक क्षेत्र का हो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये होता हां, यानी x / 2 का होल स्क्वायर, ये हो ना, अभी हम क्या करेंगे बा अधिकतम का करेंगे बा अधिकतम, समझ में आए, अब x y ये हमारे बा बना हो यहां एक हम एक लेना बा x y निकाल लेंगे का लेने आप यहां x / 2 हो जाए हो जाए एक्स बाई टू हाँ, अब यहां देखो एक्स प्लस पाई एक्स बाई टू इज इक्वल टू का हो 10 - 2y, ये ना वाई के मान निकालेंगे वाई के मान निकालेंगे हाँ ठीक है पढ़े ठीक है, तो यहां ले ले पहले 2y बराबर हो जाए 10 - हाँ 10 यहां के पसंद के ले पहले ले ले यहां पढ़े चल नहीं एक्स कॉमन ले ले तो 1 + π/2 हाँ ये आए हाँ इज इक्वल टू क्या बदल दस या वाई टू वाई इज इक्वल टू हाँ 10 - यक्स अंडर ब्रैकेट 1 + π/2 ना हो वाई इज इक्वल टू क्या हो जी भाग दे दे भाई 10 - यक्स हां 1 + π/2 दो ही पता कर देना गुरुजी पूरा कर दे हां 2/2 कर दे पूरा कर दे चलो चलो तो 1/4 हो जाए हां 1/4 हां 2 ÷ π ना इनटू x ये हमारा y की मान आएगा, अब एक हम लोग कहां रखा ये यहां अधिकतम तो हमारा मान आगे निकले देखा जाए ठीक आओ माना आयताकार माना आयताकार हाँ आयत की लंबाई न हो लंबाई यक्स तथा चौड़ाई हाँ वाई है ठीक बा इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या अर्धवृत्त की त्रिज्या आर बराबर एक्स बाई टू ठीक बा अब खिड़की का परिमाप खिड़की का परिमाप परिमाप का हो जाए परिमाप लिख लेगा तब ना एक्स प्लस टू वाई प्लस पाई एक्स बाई टू इज इक्वल टू 10 यह हो गया अब यह का हो जाए
टू आई इज इक्वल टू हाँ दस माइनस का हो जाए यक्स चला यक्स कामन ले लें का हो जाए टू प्लस हाँ पाई बाई टू ये भाई यानी वाई इज इक्वल टू टेन बाई टू माइनस हाँ पाँच के देगी भाग काटे गए पाँच माइनस यक्स बटा चार हाँ टू प्लस टू प्लस फाइव ये हमारे वाई के मान आ गया ठीक बा। अब खिड़की का क्षेत्रफल ये बराबर एक्स वाई प्लस वन बाई टू हाँ पाई आर स्क्वायर आर कितना बा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ये ना हो अब यहाँ का हो जाए आपको ए बराबर एक्स पाँच ऋण एक्स बाई फोर टू प्लस पाई ना हो ये हो जाएगा हाँ प्लस वन बाई टू चार आठ के गई एक बटे आठ पाई एक्स स्क्वायर चार ठीक बात एक बटा चार गुड़ते तो कितना हो खाना भाई कहाँ अच्छा हाँ वाला अब ये हाँ की खोल दे पारे खोल दे आसान पड़े बराबर क्या हो जाए पांच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे चार टू प्लस पाई ये ना प्लस वन बाई एट पाई एक्स स्क्वायर हाँ अब यहाँ कहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी ए अपान डी एक्स नौ पाँच माइनस टू एक्स बटे में चार दो धन पाई धन का हो जाए बटे में आठ नौ काट दे चार ये ना हो अब यह का हो जाए पाँच माइनस टू एक्स अपान फोर बाय नहीं कामन ले पाने तो 2x अपान 4 कामन ले है तो बचे हुए या पाई x बाय हां पाने 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 x बटे 4 कामन ले सब यहां जाने कितना कामन ले पे x बटे 4 बात समझ या हां ठीक है चलो x बटे 4 कामन है तो 2 2 4 धन 2 पाई धन पाई ये बच्चा यानी का हो गया पाँच माइनस एक सौ बटे चार और चार धन तीन पाई क्रांतिक बिंदु ये हो गया क्रांतिक बिंदु के लिए डी ए अपान डी एक्स इजिकल टू जीरो अब का लिया जाए कहाँ जगह बा देख क्या हो जाए पांच माइनस एक्स बटे चार चार धन तीन पाई बराबर जीरो क्या हो जाए माइनस एक्स बटे चार चार धन तीन पाई बराबर माइनस पांच कैंसिल एक्स बराबर पाँच चौके बीस कह दी डायरेक्ट चार धन तीन पाई ठीक बा। अब करना बा अधिकतम करना डी टू ए अपान डी एक्स स्क्वायर पाई ठीक बा। ये जीरो हो जाए तुम्हार जीरो माइनस एक हो जाए एक बटे चार चार धन तीन पाई हाँ आप ये निकाले की बात के ना हो डी टू ए अपान डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर बीस बटा चार धन तीन पाई पर ना बाबू का इड़े आए ना हो का वही आए चार धन तीन पाई छोटा है जीरो से अतः एक्स बराबर बीस बटे चार धन तीन पाई पर प्रकाश अधिकतम होगा प्रकाश क्या होगा
ठीक बा हो। अच्छा x तो आ गया, y का मान निकाले के बाद y बराबर कहां पर, यहां पर x का मान सब का हां का हो गया। देखिए ले ली y बराबर, y बराबर 5 ऋण हां x बटे 4 यानी 20 बटे 1 बटे 4 गुणते 20 बटे 4 4 धन 3 पाई और यहां ब्रैकेट में कहां पर 2 धन पाई 4 5 20 9 अब का हो जाए 5 ऋण 5 दुनी 10 धन 5 एकम 5 पाई बटा 4 धन 3 पाई। अब एक बड़ा कर बहन पाई 4 5 20 धन 5 के आई 15 पाई माइनस 10 माइनस 5 पाई बटे में 4 धन 3 पाई। अभी कट जाए आपको 10 मोबाइल का था 10 धन 10 पाई हां बाबू ये ना हो हां गुरु जी कट गए बटे 4 धन 3 पाई कामन। अभी एक मिनट पाड़े, कहां गलती भाई खाता छूटा कहीं गलती भ पाड़े चार पंचे 20 10 धन एकर हुआ ऐसे करे 4 5 20 15 पाई यहां हो गया 2 धन पाई पाड़े कहां गलती करे हैं यहां 3 पाई में पाड़े पाड़े यहां 3 पाई यहां 1 मान निकाले थे ना तो 2 2 4 5 धन वाई धन पाई हां पाड़े कहां गलती करे हैं मोबाइल स्टॉप करें मोबाइल कैसे स्टॉप करें मोबाइल स्टॉप कर जाए। अब देख कहां है गलती कहां बाबा यहां कामन रहे यहां का धन क्रेडिट हो जाए तहीं से पाई के 4 धन पाई आए। अब 4 धन पाई जब यहां आए बाहर यहां पाई बा यहां मान ली 4 धन पाई बा हां 4 धन पाई बा ठीक बा तो यहां काल है 1 3 हटा दिए उसे तब 1/4 और सही बात है ना 4 धन पाई है 4 धन पाई है हां वही तो आ रहा है 1/4 धन पाई हां ऋण हुए 4 धन पाई पर हां 20 बटे 3 जो वाला 3 हट गया 4 धन पाई समझ में है फिर यूं 4 धन पाई यहां का हो जाए 5 के 5 यहां 5 पाई ये पाई पाई कैंसिल 10 बटा 4 धन पाई समझ में आए काजे 10 बटे 4 धन पाई अतः x बराबर 20 बटा ये यहां 4 धन पाई है हां 4 धन पाई तथा y बराबर 10 बटा 4 धन पाई पाई आएगी। अब नोट के लिए फटाफट सर चलो उधर जा अच्छा